जितने भी युवा बच्चे यहां बैठे एक बात और सीख लो। बोले क्या? यथा वंध्या स्वरूपाच यथा वा निष्फलो द्रुमम अद्युक्त दोहा धेनुश्च तथा हम निष्फलम कृतः। जैसे स्त्री कितनी भी रूपवती हो, कितनी भी स्त्री रूपवती हो परंतु वो बांझ हो क्या कहोगे? वृक्ष कितना भी बड़ा हो लेकिन उस पे फल ना हो तो क्या कहोगे? गाय कितनी भी हष्टपुष्ट हो अगर वो दूध ना दे तो क्या कहोगे? जैसे वंध्या स्त्री, जैसे वृक्ष, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवी भागवत में लिखा है और ये कोई और नहीं कह रहा है, वो बालक सोच रहा है, वो बालक उत्थत्य सोच रहा है, क्योंकि जब वो उसे वेद पाठ पढ़ाया जा रहा था, पाठ कर रहा था, कोई सिखाते ये मंत्र उसी को, वो सीख ही नहीं पाता था, वो उच्चारण ही नहीं कर पाता था, तो उसका मजाक उड़ने लगा परिवार में, उसका मजाक उड़ने लगा उनके संग के लोगों में, उसका मजाक उड़ाते थे, सब मूर्ख है, पागल है, कुछ नहीं जानता है। अब समाज में उसका मजाक उड़ा है, इसके साथ साथ घर में भी घर वाले उसका मजाक उड़ाने लगा, पागल, ये किसी काम का नहीं है। तो जितने भी युवा बच्चे हैं इस बात को समझ लो, अगर तुम कुछ काम करने योग्य नहीं हो तो तुम्हारा समाज मजाक उड़ाएगा ही उड़ाएगा। मैं तो युवा बच्चों से एक प्रार्थना करूंगा, जरूरी नहीं कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, जरूरी नहीं कि सब पढ़ लिख जाओ, एक विद्या जीवन में ऐसी जरूर सीख लो जो आजीवन अपना और अपने परिवार का पेट भर सको। ये जो सरकारी नौकरी, जो ये जो सरकार, ये जो स्कूल है ना, कॉलेज जिन पर्सनल भी है, जिससे डिग्री लेके आप घूमते हो, ये पेट नहीं भर सकती है डिग्रियां तुम्हारा। लाखों करोड़ों लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, कितनों को जॉब मिल रही बोल, लेकिन अपने पैरों पे अगर खड़े हो जाओगे तो पैरों पे खड़े होने के लिए विद्या काफी है। एक कोई विद्या आ जाए, तुम्हें गाना आ जाए, तुम्हें और क्या, हाँ ये तबला बजाना आ जाए, बाजा बजाना आ जाए, ये जितने भी संगीतज्ञ होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, सच बता रहे हैं, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कम, वो अपने बचपन से ही विद्या अध्ययन कर लेते, ग्रहण कर लेते हैं। ये माइक चलाना आ जाए अगर अच्छा चला सको तो, ये भी विद्या है, अगर अच्छा माइक चलाना जानते हो तो ये भी विद्या है, आप इसमें भी कमा सकते हो। कैमरा चलाना आ जाए, ये कितनी विद्या, यहाँ प्रयोग हो रहा है, रोटी मिल रही कि नहीं? हमारे आश्रम में लाइट ठीक करने वाले को धन मिलता है कि नहीं मिलता है? नल ठीक करने वाले को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? एक विद्या, गाड़ी ठीक करने वाला, अगर आपको गाड़ी बनाना आ गया, एक गाड़ी आ गई, एक गाड़ी आ गई दिन में, वही 10-5 हजार रुपए दे जाएगी भाई, 10-5 हजार रुपया तो वो गाड़ी में है ही, और 10-5 हजार का तुम ऊपर से काम करवा देते हो उसमें, तो 20 हजार का काम हो गया कि नहीं हो गया? हालांकि ईमानदारी की बात यह है, गाड़ी में जो कमी हो सिर्फ वही ठीक की जाए, उससे भी पर्याप्त धन आ जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है, हम जो ये कहना चाहते हैं, आप एक कला अपने हाथ में जरूर रखो। एक और बात बता दें, अपना काम करोगे तो उसमें प्रोग्रेस होने के ज्यादा चांसेस हैं। कोई काम छोटा नहीं होता, बस आप काम लगन से करोगे।